हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है ये, और इसके बारे में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही ये वीडियो, लेकिन जो बच्चे बैंकिंग, SSC, क्लैट या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए स्टेट इन्फॉर्मेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हिमाचल प्रदेश में। तो डिस्ट्रिक्ट हैं 12। अगर हम मैप वाइज देखें कि कौन सा स्टेट हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री को टच करता है, तो इस तरह से एक बार एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ में है बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ ईस्ट साउथ में, तो यहाँ पर है उत्तराखंड। अगर मैं बात करूँ वेस्ट में, यहाँ है पंजाब। और साउथ वेस्ट में है हरियाणा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और छोटा सा बॉर्डर टच करता है ईस्ट से यूपी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी को भी टच करता है, बहुत छोटा सा बॉर्डर है यूपी के साथ जो टच करता है। और चाइना के साथ भी हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। और कितना एरिया है बॉर्डर वाला जो चाइना के साथ बेसिकली हिमाचल प्रदेश का है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अप्रोक्स 350 किलोमीटर। अगर एग्जैक्टली देखें तो हम 345 के आसपास होगा, तो आप अप्रोक्सीमेशन में याद कर सकते हैं 350 किलोमीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की शिमला, और एक है धर्मशाला। शिमला है समर कैपिटल, विंटर कैपिटल है धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर हैं आगे जयराम ठाकुर, और यहाँ पर भी सरकार है BJP गवर्नमेंट की। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और ये भी आपको बताना चाहिए कि फर्स्ट CM कौन थे हिमाचल प्रदेश के, यशवंत सिंह बार्मर। और उसके बाद गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, S चक्रवर्ती। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए और कुछ फैक्ट जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी हैं, 68, एंड लोकसभा की सीट्स हैं 4, राज्यसभा की सीट हैं 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्लैट वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पर है, तो वो है शिमला में। और चीफ जस्टिस हैं यहाँ के सूर्यकांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश बेसिकली जो है वो आपको पता है, हिमालयस काफ़ी हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमालयस के पार्ट। तो मैंने आपको माउंटेन्स रेंजेस में बताया था जब मैंने हिमालय डिस्कस किया था, कि हमारे देश में जो हिमालयस हैं वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हिमाद्री, और एक है हिमाचली, और तीसरे हैं शिवालिक के पहाड़। तो बेसिकली जो हिमाचली जोन है वो सारा का सारा हिमाचल प्रदेश में है। और वैसे तो एलिवेशन हाइट मैंने आपको बताई थी कि जो 1600 मीटर से अबव है वो हिमाद्री जोन का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक जो हाईएस्ट पीक है उसकी हाईएस्ट पीक भी बताऊंगा आपको कितनी है, और वो हाईएस्ट पीक को क्या कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं बता ही देता हूँ, हाईएस्ट पीक है रियो पुरगिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, और ये इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 6816 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एरिया वाइज देखें हिमाचल प्रदेश तो है 18th नंबर पे। पॉपुलेशन वाइज देखें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो 21st नंबर पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और जब हिमाचल प्रदेश बना, तो हिमाचल प्रदेश पहले एक यूटी था, यूनियन टेरिटरी। ये स्टेट बना 25 जैन 1971, मतलब आप लिख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की जो डेट है फॉर्मेशन की, तो वो है 25 जैन 1971। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद ये भी जान लेते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसका नाम हिमाचल क्यों पड़ा, द मैन वू नेम्ड हिमाचल। और इसका जो मेन फैक्ट आपको याद रखना है, देखिए हिमाचल प्रदेश में ये स्टार्टिंग के जो 4 अक्षर हैं हिमा, इसका मतलब होता है स्नो, और दैट्स द रीज़न हिमाचल प्रदेश का नाम पड़ा हिमाचल प्रदेश। और नाम किसके द्वारा रखा गया था, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखते हैं कुछ नेशनल पार्क जो आपको याद रखने हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिन वैली नेशनल पार्क ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंद्रकीला नेशनल पार्क,
और उसके बाद आपको याद रखना है सिंबलबारा नेशनल पार्क। अब देखिए एक फैक्ट है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ, यहाँ पर फाउंड हुए हैं 370 फौना स्पीसीज एंड 30+ मैमल। और अगर मैं बात करूं 180 बर्ड स्पीसीज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और याद रखना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिमाचल प्रदेश को पावर कैपिटल भी कहा जाता है, हमारे देश की पावर कैपिटल कहा जाता है। बेसिकली हरियाणा पंजाब को जो पावर है वो सप्लाई कहाँ से होती है, हिमाचल प्रदेश से, इवन दिल्ली को भी। फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है, सतलुज रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर, चेनाब रिवर एंड यमुना रिवर। और ये चार रिवर तो हमने रिवर्स वाले पार्ट में पढ़ा था, मेन ट्रिब्यूटरी हैं इंडस की, और एक ट्रिब्यूटरी हो रहा है जो हिमाचल प्रदेश में फ्लो नहीं करती, झेलम, वो भी आपको याद रखना है, इंडस की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। मैंने लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज भी डिस्कस करी थी रिवर्स वाले पार्ट में, आप देख सकते हो, वो जो चैप्टर है वो भी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग पास, आप में से कई लोग गए भी होंगे इस पास में, और ये पास जोड़ता है कुल्लू को लाहुल स्पीति से, लाहुल एंड स्पीति वैली। और बेसिकली रोहतांग पास सर्दियों के टाइम में बंद रहता है, दिसंबर से अगर हम देखें मार्च अप्रैल तक ये अप्रोक्स प्रोक्स क्लोज रहता है, तो यहाँ पर आप अप्रैल तक लिख सकते हो, वैसे मार्च अप्रैल तक क्लोज रहता है, जब बहुत ठंड होती है तो रोहतांग पास को बंद कर दिया जाता है। और ये किसका पार्ट है ये भी पूछ लिया जाता है, पीर पंजाल हिमालयस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है शिमला से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर है वाइस रॉय लोज, जो आप जानते ही हैं हमारे इंडिया जब ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, मतलब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स की ये समर कैपिटल होती थी शिमला, समर में कैपिटल शिफ्ट कर ली जाती थी यहाँ पर, और आर्मी हेडक्वार्टर भी था शिमला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, वाइसराय लॉज था शिमला में, अभी भी है। और हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल भी कहा जाता है इंडिया का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश काफ़ी इकोनॉमिक वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा है, अगर हम बात करें टॉप 5 में आता है इकोनॉमिक वाइज पर कैपिटा इनकम, लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, वुडन डेकोरेटिव आइटम्स हैं कुछ, या फिर हम बात करें पाश्मीना शॉल्स काफ़ी यहाँ के फेमस हैं, कारपेट्स काफ़ी फेमस हैं हिमाचल प्रदेश के। और एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, शिमला से मुझे याद आया, मैंने बताया था ये काफ़ी बार बताया, हिस्ट्री में भी बताया मैंने, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, वैसे हिमाचल प्रदेश से मतलब कोई इसका ऐसा कोई लिंक नहीं है, लेकिन जस्ट एक आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1971 में, जब इंडो पाक वार हुआ, बांग्लादेश सेपरेट हुआ, और ये आपको मुझे बताना है कि शिमला एग्रीमेंट कौन कौन से बड़े नेताओं के बीच में हुआ था उस टाइम, आपके अब आपको पता ही होगा हमारे देश के पीएम थे इंदिरा गांधी जी, एंड पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, तो ये आपको मुझे बताना है, शिमला एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, एक पर्सन है श्याम सरन नेगी, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया था, हाँ, जब हमारे इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 से ये वोट डालते आ रहे हैं, जब भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये फर्स्ट वोटर हैं जिन्होंने मतलब वोट डाला था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्याम सरन नेगी। और एक मुझे और याद आया, पालमपुर से थे एक पर्सनैलिटी जिन्होंने कारगिल युद्ध में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, विक्रम बत्रा,
ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने साथ साथ नोट डाउन करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये फैक्ट्स एक तरह का आप ये लगा सकते हो कि पेपर में आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखते हैं कुछ डैम्स एंड रिवर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। गोबिंद सागर रिजर्वर डैम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कौन सी रिवर पर है? सतलुज रिवर पर। महाराणा प्रताप सागर रिजर्वर, इसका एक सेकंड नेम है वो भी आपको याद रखना है, पोंग डैम, जो कि ब्यास रिवर पर है। उसके बाद नथपा डैम जो कि सतलुज रिवर पर है, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पावर स्टेशन, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पावर स्टेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नंगल डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन सी रिवर पर है? सतलुज रिवर पर। इसके बारे में भी फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो सबसे पहला फैक्ट, लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ये काफी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ये। उसके बाद जो आपको याद रखना है, पांडो डैम, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, पांडो डैम, ये ब्यास रिवर पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस जो हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाथी डांस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लूडी डांस ये भी इंपॉर्टेंट है, गिद्दा डांस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपको याद रखना है, हरन नत्रा हरन डांस जिसको हरिन डांस भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कुछ फेस्टिवल्स। कुल्लू दशहरा, कुल्लू दशहरा फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है ऐसा कहा जाता है। इसको एक नाम दिया गया है, टैगलाइन है, गोड्स अवन गेट टुगेदर। और ये फेस्टिवल इतना ज़्यादा फेमस है, इसको नॉट इन इंडिया मतलब बाहर से भी लोग देखने आते हैं, बहुत फेमस है कुल्लू दशहरा। उसके बाद बात करते हैं शिवरात्रि फेयर जो कि मंडी में लगता है, ये भी काफ़ी फेमस है। और जो आपको याद रखना है, लवी ट्रेड फेयर रामपुर, और एक आपको मिंजार फेयर याद रखना है जो कि चंबा में लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उसके बाद देखते हैं मेजर मिनरल रिसोर्सेज, और यहाँ पे रिसोर्सेज जो मिलते हैं लिग्नाइट पेराइट एंड नेचुरल गैस, कुछ डिस्ट्रिक्ट में मिलती है जैसे कि बिलासपुर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स, भाखड़ा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपको याद रखना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नथपा झाकरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि बहरा सियोल में। देखिए एयरपोर्ट्स यहाँ के जो इंपॉर्टेंट है वो कुल्लू एयरपोर्ट और धर्मशाला एयरपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स, HPCA क्रिकेट स्टेडियम और धर्मशाला इंदिरा गांधी स्टेडियम। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे, सेकंड क्वेश्चन आज का, आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा स्टेडियम है, हो सकता है इन दोनों में से भी एक हो, जो 8,018 मीटर अबव द सी लेवल पर बना हुआ है, और उस स्टेडियम का नाम क्या है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो मतलब हाईएस्ट जोन पर स्टेडियम बना हुआ है इसका नाम बताना है, हो सकता है इन दोनों से भी एक हो। तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए और कुछ फैक्ट जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट ट्री है वो है डियोडर, और फ्लावर है बुरंस, ये फ्लावर है ये ट्री है, कंफ्यूज मत होना। एनिमल देखें तो स्टेट एनिमल स्नो लियोपार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बर्ड देखें तो स्टेट बर्ड है झाजू, झाजू राणा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले यूटी था फिर स्टेट था। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक जगह है चंबा, चंबा में भी एक जगह है जिसका नाम है खाजियार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अगर वैसे देखा जाए ऑल ओवर द इंडिया स्विट्जरलैंड तो कश्मीर को ही कहा जाता है, लेकिन मिनी स्विट्जरलैंड अगर कहा जाता है तो वो चंबा में जगह है खाजियार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो चंबा है वो फेमस है, यहाँ पर कहा जाता है कि जो शिव भगवान है उनका घर भी है, और
उसको कहा जाता है मनी महेश, मनी महेश काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स देखते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रहते हैं वो डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, वीट, मेज, राइस, बार्ले, और एक कैश क्रॉप है जो काफी मतलब वर्ल्ड फेमस या फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेमस है, हिमाचल प्रदेश की एप्पल, जो कि एक तरह का कैश क्रॉप है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, चंबा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। चलिए कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है भृगु लेक, चंद्रा ताल लेक, एक है नक्को लेक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राशर लेक, और एक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मनी महेश लेक। मैं दोबारा लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, कहाँ पर है, चंबा में। जो और फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, एक ग्लेशियर है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, बारा शिगरी ग्लेशियर, बारा शिगरी ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो एक कैप को पहनते हैं, आपने देखा होगा कलरफुल कैप होती है, उस कैप का नेम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। आपको आजकल देख रहे हैं क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी टफ होता जा रहा है तो ईजी काफ़ी, लेकिन उस कैप का जो नेम है वो भी आपको याद रखना है, थिपांग कैप। तो ये भी मैं सोचा चलो डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हिमाचल प्रदेश के हैं और आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ऑल ओवर द इंडिया में अगर हम बात करें, फर्स्ट ऐसा स्टेट है जो स्मॉग फ्री हुआ था 2013 में, स्मॉग फ्री स्टेट। और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कासोल, इसको मिनी इसराइल भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक नाम रख दिया मिनी इसराइल, यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का जो रहना सहना, फूड आइटम, सारा का सारा इसराइल के से मिलता जुलता है, इसलिए कसोल को कहा जाता है मिनी इसराइल। गॉट इट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देख लेते हैं, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तारा देवी टेम्पल और जाको टेम्पल, ज्वाला जी टेम्पल, ज्वाला देवी टेम्पल और चिंतपूर्णी टेम्पल, चामुंडा देवी, हडिम्बा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक जो आपको याद रखना है नैना देवी, बाबा बालकनाथ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश में एक टॉय ट्रेन चलती है शिमला में, और इस टॉय ट्रेन को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। जो टॉय ट्रेन चलती है हिमाचल प्रदेश में, टॉय ट्रेन, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया गया है इसको, ये भी आपको याद रखना है। एक टेम्पल है ये भी काफ़ी फेमस है, रोहकट टेम्पल, और ये कहाँ पर है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो ये है मसरूर में, मसरूर हिमाचल प्रदेश। और शिमला के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर है नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिए, यही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे बेसिकली, और इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक शिमला में एक आपने और याद रखना है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी है, ये भी पूछ लिया जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं शिमला हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बच्चे हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही भी आपको बोल चुका हूँ, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरह की क्विक रिवीजन है जो स्टेट इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो थैंक यू।